उन्हें यह फिक्र है हरदम, नई तर्ज़े जफा क्या है। हमें यह शौक है कि देखें सितम की इंतहा क्या है। लुधियाना व्यू वालों, भगत सिंह राजगुरु अति सुखदेव दी लासानी शहादत नु कोटन कोट प्रणाम। मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला। भगत सिंह राजगुरु अति सुखदेव नु 23 मार्च 1931 नु ब्रिटिश सरकार ने फांसी ते चढ़ा दिता सी। इन्हां देशभक्तां ने हसते हसते शहादत नु गले लगा लिया। एक नौजवान जिसने देश की आजादी ले अपनी जान दे के क्रांति की मशाल नु लोकां दे दिलां च रोशन कर दिता। भगत सिंह ने अपने साथियों नाल मिलके देश की आजादी ले ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया। लाहौर विच सैंडर्स की हत्या अते फिर दिल्ली असेंबली च बंब सुट के जिथे अपनी निडरता अते क्रांति का बिगुल बजाया, उथे ही हसदिया हसदिया फांसी नू गले लगा लिया। उन्हां दे बलिदान नू रहिंदी दुनिया तक याद रख्या जावेगा। कर चले हम पिता जान पर साथियों, हम तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम पिता जान पर साथियों, हम तुम्हारे हवाले वतन साथियों। क्रांतिकारी भगत सिंह का मनना सी कि जिंदगी अपने दम ते ही जीनी चाहिदी है, पर लोकी जो जिवे हो रहा हुंदा है उस दे ही आदि हो जांदे हन, बदलाव च विश्वास नहीं करते अते बदलाव लाउण लई क्रांतिकारी भावना जगाउणी पैंदी है। अज दे समय च वी भगत सिंह दी ए सोच बिल्कुल सटीक बैठती है। भगत सिंह दा कहना सी कि ओ विचारां तों क्रांतिकारी हन, इसलिए जेल च बंदी होण ते वी ओ मानसिक तौर ते आजाद हन। ऐ गल काबिले गौर भी है अते काबिले तारीफ भी कि मौत दी सजा मिलन तो बाद भी उन्हां ने राजीनामा लिखण तो साफ मना कर दिता सी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देश की आजादी ले कम आउण दा ए ओ जज्बा सी कि भगत सिंह ने दोबारा पैदा होने की ख्वाहिश जाहिर की सी। अपने आखिरी खत च उन्हें लिखा सी कि जीण की इच्छा उन्हें विच भी है, पर कैदी बन के नहीं आजाद देश च जीण दी इच्छा है। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति दा प्रतीक बन चुका है। क्रांतिकारी जीवन दे आदर्शा ने मैनू बहुत उच्चा चुक दिता है कि जिंदा रहन ते शायद ए मुकाम ना मिल सके। फांसी चढ़न ते देश दियां मावां अपने बच्चियां तो भगत सिंह बनन दी उम्मीद करन गया, जिस नाल आजादी लई कुर्बानी देण वालियां दी तादाद इन्नी वध जाएगी कि उस क्रांति नु रोकना नामुमकिन हो जाएगा। उन्हें अपने खच अगे लिखा कि मैनू खुद ते नाज है कि मैं फांसी चढ़न लग्या हां,
ਉਹਨਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਾਹਸ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾਓ। ਪੀੜਾ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਹੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਹਿਰ ਸੇ ਕਿਉਂ ਖਫਾ ਰਹੇ, ਚਰਖ ਕਾ ਕਿਆ ਗਿਲਾ ਕਰੇ। ਦਹਿਰ ਸੇ ਕਿਉਂ ਖਫਾ ਰਹੇ, ਚਰਖ ਕਾ ਕਿਆ ਗਿਲਾ ਕਰੇ, ਸਾਰਾ ਜਹਾਂ ਅਦੂ ਸਹੀ, ਆਓ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਲਦੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਖਾਈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਸ, ਬਲੀਦਾਨ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਹੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਲੇਖ ਅਤੇ ਸਗੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਪਣ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਲੇਖ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਈਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਲੇਖ ਲਿਖੇ। ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇਲੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਦੇ ਬਸੰਤੀ ਚੋਲਾ, ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਦੇ ਬਸੰਤੀ ਚੋਲਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ। ਜੈ ਹਿੰਦ।